हेलो विधायक प्रतिनिधि का बैच लगा करके स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत है एक कुर्सी से नरसन अहिर जी के लिए, अहिर जी के स्वागत के लिए। गांव के हमारे अगुआ, हमारी बहन सरपंच गौरपती ध्रुव जी, सम्मानी हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय राजू जोगी साहब जी, और इस माध्यमिक शाला के हमारे सम्मानी प्रधान पाठक डकड़ा मैडम जी, साथ में हमारे विधायक से भाई गौरव सिंह कंवर जी, साथ में हमारे सम्मानी विनोद जसवाल सर जी, सम्मानी सर हमारे वर्मा सर जी, सम्मानी हमारे चंद्रा सर जी, हमारे प्रधान संचार्य महेंद्र आहिर साहब जी, और हमारे भाजपा के नेता भाई कृष्ण यादव जी, साथ में हमारे सत्यनारायण ध्रुव साहब भूतपूर्व सरपंच, साथ में हमारे सम्मानी गांव के हमारे मुख्य सरवाल साहब जी, साथ में महत्वपूर्ण समझते हैं, भले 5 मिनट के लिए आए, प्रोग्राम पहले से रहता है, सभी लोग को आशा रहता है, भरोसा रहता है, तो मैं ज्यादा समय लेते हुए आज के बच्चों सभी को मैं चाहे 20 टीम हो या 10 टीम हो, आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला, और मैं सोचता हूँ कि समझता हूँ कि आपका सभी कार्यक्रम जितने भी दल हमारे हैं वो बहुत अच्छा ही रहेगा, सबका दिल को जीत लेंगे आप लोग, और आपके लिए शुभकामना भी देता हूँ मैं,
मैं बहुत ही कम समय में यही कहूंगा कि आप लोग का, मेरे गांव के माताएं बहनी दीदी लोग, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। आप लोग विधायक बनाए हैं, निश्चित रूप से हम चिंता करते हैं गांव के विकास के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए। यहां पे विद्यालय टूट गया है, यहां पे उसको बोल नहीं पाया मैं, वो भी अभी नया बजट में मार्च में शामिल करा देंगे, क्योंकि जितना भी टूट गया है वो सब चीज का, आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल विद्यालय हो, उसके लिए मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट मंगाए हैं और रिपोर्ट शासक के तरफ से हमारे चाहे डीओ साहब या बीओ साहब के माध्यम से वो पहुंच गया है, मेरे तरफ से भी पहुंचा दूंगा मैं, ये काम हमारा जल्दी हो जाएगा। और आज का मेरे तरफ से छोटा सा भेंट है, सभी हमारे प्रोग्राम देने वाले बच्चों के लिए या बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं 10,000 रुपया भेंट करके जा रहा हूँ। आपने जो मांग रखे हैं रजकम्मा का हायर सेकेंडरी यूनियन के लिए, निश्चित रूप से 10वीं के बाद हमारे बच्चे 12वीं भी और अनिवार्य पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उनके भविष्य का निर्णय होता है। अगर वो 12वीं नहीं पढ़ पाएंगे तो कॉलेज नहीं जा पाएंगे, और कॉलेज नहीं जा पाएंगे तो अपना क्वालिफिकेशन को उसका यहीं से ब्रेक हो जाएगा, तो वो किसी स्तर का शासकीय नौकरी में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे या कुछ ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो मांग बहुत अच्छी है, मैं अभी तत्काल में आज रायपुर अभी मीटिंग में हम शाम को हमारे जा ही रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और आपकी इस हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी के लिए मैं यूनियन के लिए मैं बात रखूंगा। मैं निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य ही हमारा, हमारे बच्चों हमारे गौरव है, हमारे भविष्य हैं, वो आगे हमारे पढ़ लिख करके अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे गांव का गौरव होगा, हमारे ऐसे पुरस्कर्मा का नाम होगा, जिला का नाम होगा, देश का नाम होगा। ये साथ में हमारे पूर्व सरपंच भाई साहब ने नवापारा माध्यमिक शाला को भी 10वीं के लिए मांग कर रहे हैं उन्नयन कराने के लिए, वो भी बहुत अच्छी मांग है, उसके लिए भी मैं एक साथ चिट्ठी बना के आज ही मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा। खुशी होगा कि जितना जल्दी हो सके हमको स्वीकृति मिल जाए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि आज के बच्चिया हमारे बहुत ही होनहार है, बहुत ही संगीत में हो या पढ़ाई में हो या आज नेट का इंटरनेट का जमाना है, जो इतना ज्यादा हमारे बच्चे अपने गांव में रह करके इतने ज्यादा अच्छे अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और एक से बढ़कर एक उनको आप कह दीजिए, चाहे तर्मा हो, चाहे सुआ हो, चाहे स्वागत गीत हो, चाहे हमारे सभी में उनका जो प्रतियोगिता रहता है परफॉर्मेंस जो है उनका, सबका दिल को मोह लेता है, लोगों को भी उनसे खुशी मिलती है कि हमारे बच्चियां हमारे बहन इतना अच्छा प्रोग्राम देती है करके, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। मैं साथ में यही कहूंगा कि मेरे पास समय के आज तकलीफ हो गया, नहीं तो मेरा मन था कि कम से कम बच्चों का कार्यक्रम में एक आध घंटा जरूर देखता, मेरे मन में ऐसा उत्सुकता बना था, लेकिन शाम को सीएम साहब के हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक है, इसके अलावा मेरा दो रास्ता में और कार्यक्रम है और कार्यक्रम पहले से तय था और मैं यही चाहता हूँ कि कार्यक्रम जो हमारे साथ रहता है उसमें आपके बीच में आना हमको एक सलाह है और एक सबका एक उमंग है। आज मुझे भी खुशी इस बात की होती है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कृति को एक मंच में हमारे बच्चे जो अपने घर में निखार नहीं सकते, उसको विद्यालय में हमारे गुरुजनों के माध्यम से हमारे प्राचार्य या हमारे शिक्षक ट्रेनर जो होते हैं उनके माध्यम से अनेकों प्रोग्राम को अपने मंच में लाते हैं और उसको आगे उनके भविष्य के लिए उसी मंच से आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक चुनौती में खड़ा होते हैं, जो निश्चित रूप से उनकी चुनौती जो है आज हमारे चकम्मा गांव की
आसपास का नाम रोशन करेगा। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो चालू किया, आप सबको मालूम है कि गांव में ये पुरस्कार की राशि सभी छात्राओं में वितरित करने के लिए माननीय मैं नीलेश यादव जी को कहूंगा कि वे संस्था के प्राचार्य जोगी सर के साथ मिल करके इस राशि को सभी बच्चों में वितरित करने का कष्ट करेंगे। ये हम लोग के लिए भेंट है। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः मैं प्राचार्य हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम अब बिना किसी गेट के निरंतर चलेगा। बड़े ही शांति से आप लोग देखिएगा, बीच बीच में ताली बजाइएगा। इससे पहले ही